नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से, मैं कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकल इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर मेरे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ताकि कुछ कमी है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, तो मैं उस कमी को पूरा कर दूंगा। और दोस्तों, आपके कोई सजेशंस हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके ही मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को अगर रिसाइकल इंडस्ट्री में बिजनेस सीखना हो तो उसमें मैं उसकी पूरी हेल्प करता हूँ। मेरी जितनी कंसल्टेंसी होती सारी पेड होती है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो आ सकता है। दोस्तों, एक अपडेट आया था कॉपर से संबंधित, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपडेट आपको मिल जाए टाइम पे, ताकि आपको लॉसेस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था 3 महीने पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर के रेट कितने हाई जा रहे हैं और ये अगले 2-3 महीने में डाउन में जाएगा। तो जो 3 महीने वीडियो पहले मैंने बनाया था उसका आज आप देख लीजिए, करेक्ट 3 या 2.5 महीने हो गए हैं और आज आप देख लीजिए कॉपर कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलुमी कॉपर ऑफिशियल प्राइस जो चल रहा है 16 तारीख का, जो डाउन हुआ है 9,508। और जब ये स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाया था तब ये था 10,500। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतने ही डाउनफॉल अभी आया 2-2.5 महीने में, 3 महीने लगभग हो गया है। इसमें सीधा $980 नीचे डाउन आया है, डाउनफॉल आया है एलुमी में। अब आगे जो कर्व है उसमें आप देख सकते हैं, अब इस कर्व में आप देखिए हिस्ट्री, आप 17/5/2021 में 10,500 हो गया था जब मैंने ये वीडियो बनाया था। अब उसके बाद देखते जाइए कैसे डाउन हुआ है और कब अप हुआ है, और आज के डेट में आप देख लीजिए सीधा 10,500 से 9,500 आ गया है, और आने वाले टाइम में ये इसी प्रकार से डाउन होता चला जाएगा। और इसमें नेचुरली है ये डाउन हो रहा है, इसका एक कारण भी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा क्या कारण है। अब दोस्तों, कुछ सवाल हैं, जैसे कि अभी आप मेटल स्क्रैप में परचेस करें कि नहीं करें। मेरे हिसाब से रिस्क लेना खतरनाक होगा, अभी मेटल स्क्रैप कॉपर अभी बिल्कुल भी परचेस ना करें। अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें और शॉर्ट टाइम के लिए करें। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक करने के लिए आप कर रहे हैं तो मत कीजिए, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए सेल परचेस कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इसमें। और इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी अपना माल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत हैवी रेट में ख़रीदा है, और जो हैवी रेट में उन्होंने मटेरियल ख़रीदा है वो इनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है प्रोडक्शन में, क्योंकि अभी सीधा ₹40 डाउन हुआ है, आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा डाउन होगा। ये मेरे ख्याल से एक डेढ़ दो महीने में ये करीब करीब 560 जो पुराने रेट है उसी पर आ जाएगा। इसका एक हाई रेट था जिसपे थ्रू ये रेट बहुत हाई जा रहा था। इसमें और भी कई कंट्री शामिल हैं जिसकी वजह से ये रेट डाउन हुए, यूके, चाइना, चिली, यहाँ पे बहुत बड़ा हब है ये कॉपर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जब यहाँ से थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है प्रोडक्शन का, डिमांड का, सप्लाई का, तो ये वर्ल्ड वाइड रेटिंग में फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये चीज़ का खास ख्याल रखें, रिस्क बिल्कुल ना लें, हमेशा रिस्क कैलकुलेटेड लें कि हमें अगर नुकसान भी होगा थोड़ा सा होगा, अगर प्रॉपर वे में इस लॉस का कैलकुलेशन करा हुआ है फ्यूचर के लिए तो आराम से आप इसमें कॉपर में पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपका कैलकुलेशन अगर गलत हो जाता है तो उसमें लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जो भी बताइए वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप अपना बिज़नेस सेटअप करवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे मेटल स्क्रैप बिज़नेस करें, और अलग अलग जैसे इनगोड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ई वेस्ट प्लांट हो गया, इसके बारे में पूरा कंसल्टेंसी मैं देता हूँ, पेड कंसल्टेंसी रहती है मेरी, आप आ सकते हैं, मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा और साथ मिलकर भी काम करूँगा। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।